हेलो गाइस, आज की शॉर्ट समरी हमारी लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड से बेसिकली एक वैलिड है। वैलिड क्या होता है या फिर लेजेंड स्टोरी क्या है, इसके राइटर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे डिटेल वाले वीडियो को चेक कर लीजिए। अब डिटेल वाला वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहां पर आपको सारी वीडियो प्रोवाइड है, वहां जाकर फटाफट से चेक कर लीजिए। चलते हैं शॉर्ट समरी की तरफ। गाइस, पोएट बताते हैं कि नॉर्थलैंड में जो नॉर्थ पोल है वहां पर डे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और नाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ पोल की जो पोजीशन है वो ऐसी जगह पर है जहां पर सूरज की रोशनी कम टाइम के लिए आती है, इसीलिए ठंडों में वहां पर दिन बहुत ज्यादा छोटा और रातें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। वहां के लोग सोने जाते हैं, सोते सोते थक जाते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं अभी भी रात खत्म नहीं हुई है। तो फाइनली जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि वहां की रातें इतनी ज्यादा लंबी होती हैं कि काटना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद पोएट बताते हैं कि नॉर्थलैंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर सीवियर कोल्ड होता है और रेडियर नाम का एनिमल वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। पोएट कहते हैं कि वहां के लोग रेंडियर को स्लेजेस से बांध देते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए वो किसका यूज करते हैं, रेंडियर एनिमल का यूज करते हैं। ठंड ज्यादा होने की वजह से वहां के छोटे छोटे बच्चे भालू जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो ज्यादा बालों वाली ड्रेस पहनते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। पोएट कहते हैं कि वहां के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, पुरानी कहानियां, बट पोएट को नहीं लगता कि वो स्टोरीज ट्रू हैं, उनको लगता है कि वो स्टोरी फेक हैं। बट साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वो स्टोरी अगर वो अपने किसी इंसान को सुनाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेसन तो देकर ही जाती हैं। इसके बाद स्टोरी में या पोयम में बताया गया है सेंट पीटर के बारे में। सेंट पीटर एक संत हैं जो जगह जगह जाकर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी मैसेज देते हैं। अब सेंट पीटर घूम घूम कर अपना ज्ञान बांटते थे, तो एक दिन हुआ क्या कि उनको बहुत तेजी से भूख लगी थी। वो एक लेडी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे केक रखे हुए हैं, तो उन्होंने अपने खाने के लिए केक मांगा। बट वो लेडी बहुत ज्यादा सेल्फिश थी, उसने उन केक को नहीं दिया। लेडी कहती है कि वो उनके लिए एक केक बना देगी, तो वो केक बनाना स्टार्ट करती है और बना के बेक होने रखती है, तो उसको लगता है कि केक काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। फिर सेकेंड टाइम वो फिर से बनाती है, फिर उसको लगता है कि वो बड़ा बन गया है। थर्ड टाइम वो इतना कम आटे का डो लेती है कि एक सूखी पपड़ी जैसी छोटी सी रोटी बनती है, बट वो इतनी ज्यादा सेल्फिश थी कि वो पपड़ी जैसी रोटी भी उनको नहीं देती है। और उसका रीजन वो ये बताती है कि जब भी मैं केक को खाने जाती हूँ तो मुझे ये सारे केक बहुत ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, मतलब छोटे लगते हैं, बट यही केक अगर मैं किसी को देने जाती हूँ तो ये केक मुझे बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। वो किसी को भी केक नहीं देना चाहती थी और सारे केक बनाकर अपनी किचन के सेल्फ पे रख दिया करती थी। अब इतना टाइम हो गया था सेंट पीटर को कुछ भी खाने को उस लेडी ने नहीं दिया था। 3 केक्स बनाने में काफी टाइम लगता है। सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा निकालते हैं उस लेडी पर। वो उस लेडी से कहते हैं कि तुम ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जाति में जीना डिजर्व नहीं करती, तुम एक चिड़िया बन जाओगी और चिड़िया बनकर तुम रोज अपने लिए दाना इकट्ठा करोगी, घोंसला बनाओगी जो रोज टूटेगा और रोज तुम उसे बनाओगी, दिन भर मेहनत करोगी फिर भी अपने खाने के लिए चीजें इकट्ठी नहीं कर पाओगी, तुम्हारे पास सब कुछ है, गॉड ने तुम्हें कपड़ा खाना सब कुछ दिया है, फिर भी तुम इतनी सेल्फिश हो कि दूसरों को कुछ नहीं दे सकती। जैसे ही श्राप देते हैं वैसे ही वो लेडी एक चिड़िया बन जाती है, उसके हेड पर एक रेड कलर की कंगली जैसी आ जाती है जो कि सारी चिड़िया के सिर पर होती है। उस लेडी को बोलने का मौका तक नहीं मिलता, उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और उसकी बॉडी जो थी वो ब्लैक हो जाती है, वो चिमनी के रास्ते बाहर निकलती है और पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जाकर एक ट्री पर बैठ जाती है। अब उसका तो हमेशा का काम यही था कि ट्री पर बैठना। वहाँ कंट्री साइड में जितने भी स्कूल थे, जितने भी बच्चे थे, उन सब की मॉम उस वर्ड की स्टोरी अपने बच्चों को सुनाती थी और कहती थी कि ये वही लालची चिड़िया है जिसने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। तो गाइस, इस पोयम से हमें एक लेसन मिलता है कि हमें स्वार्थी, सेल्फिश, लालची नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो है उसमें से तो हम चीज दे ही सकते हैं ना दूसरे बंदे को। तो आई होप आपको इस चैप्टर की या फिर इस पोएम की शॉर्ट समरी समझ आई होगी। डिटेल वाले वीडियो के लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, यार वहां जाकर चेक कर लिया करो। क्वेश्चन आंसर के लिए मेरे आर स्टडी एट अ सॉल्यूशन वाले चैनल पर जाकर आप चेक कर लो, वहां सारे चैप्टर के सॉल्यूशन प्रोवाइड हैं। थैंक यू सो मच।